क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने कार्यवाही करते हुए शहर में 3 विभिन्न जगहों पर चोरी करने वाले 5 आरोपियों समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 4 लाख का माल जब्त किया गया है। शहर में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ दिन पूर्व पार्टी और नंदनवन में 3 चोरी की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें सोने चांदी के गहने सहित लाखों का माल चोरी हुआ था। इस मामले में आरोपियों की गुप्त जानकारी पर क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अधिकारी को पता चला, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर करीब 5 आरोपियों सहित 2 नाबालिग को हिरासत में लिया है। आरोपियों में आदित्य उर्फ गब्बर, विकास बब्बर, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद शहीद, शेख सोहेल और बिट्टू शेख फारूक, सोहेल कसाई, इकबाल कुरेशी, सोहेल भांचा सहित 2 नाबालिगों का समावेश है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 4 लाख का माल जब्त किया है। युनिट 3 पथकातर्फे नजीकच्या उन्हाळ्यातल्या विशेषतः मार्च एप्रिल मध्ये एक गुन्हे घडले होते, भरपुडीचे चोरीचे। त्याच्या कंटिन्युअसपणे युनिट 3 तर्फे वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनाखाली तपास प्रक्रिया सुरूच होती। त्यामध्ये पारडीचे 2 गुन्हे 281/24 आणि 234/24, तसंच थोडेसे नंदनवनचा एक गुन्हा 185/24, घरपुडीचे असे 3 घरपुडीचे गुन्हे वेगवेगळ्या आरोपीकडून डिटेक्ट झालेले आहेत। आणि एकूण गुन्ह्यात गेलेला मुद्देमाल आणि वापरलेले व्हेकल्स वगैरे असतात 378,660 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करून आरोपी सह व काही विधी संघर्ष पालक त्यांच्यासोबत पोलीस स्टेशनच्या मुद्देमालांनी आरोपी सह ताब्यात देण्यात आलेला आहे। पुढील तपास एक पोलीस स्टेशन पार्टीचा जो 281/24 आहे, त्याच्यामध्ये आदित्य उर्फ गब्बर, विकास बब्बर, वय 23 वर्ष, राहणार नागार्जुन कॉलनी पोलीस स्टेशन जरी पटका, त्याच्यासोबत जो विधी संघर्ष बालक पोलीस स्टेशन पार्टीचं 234/24 घरपुडीचं 380/454, त्यामध्ये मोहम्मद जाकीर, मोहम्मद शाहिद, वय 22 वर्ष, मोठा ताजबाग, त्यासोबत पुन्हा एक विधी संघर्ष बालक, आणि नंदनवन पोलीस स्टेशनचा 185/24 घरपुडीचं 380/454, त्यामध्ये शेख सोहेल उर्फ बिट्टू शेख फारूक, वय 20 वर्ष, मोठा ताजबाग, आणि एक सोहेल कसाई, इकबाल कुरेशी, वय 19, ताजबाग, आणि एक त्यामध्ये 5G आरोपी सोहेल भांजा, तो सध्यापर्यंत मिळालेला नाही, तर शोध सुरू आहे। असे एकूण 4 मेजर आरोपी आणि 3 विधी संघर्षरत बालक अशांनी धरपकड्या केलेल्या। एक बंद घर टार्गेट करणे, दिवसभर फिरताना पाहणे किंवा हे घर बंद आहे आणि तसं टार्गेट करून दिवस पाहून घेऊन नंतर मग रात्री घरफोड करण्याची मोडस आहे। गुन्हेगारी प्रवृत्ती तेच आहेत आणि काही अल्पवयीन सुद्धा त्यांच्यासोबत त्यांनी ठेवलेले होते। चोरी, लुटमार, हत्या जैसे मामलों में कम उम्र के बच्चों की भूमिका बढ़ती दिखाई दी है। जरूरत है कि इन मामलों पर ध्यान देकर आपराधिक घटनाओं में बढ़ते युवाओं की भूमिका को रोका जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।